गुड मॉर्निंग दोस्तों और प्यारे किसान साथियों, मैं मंजर स्वागत करता हूं आप सभी का दिल्ली फ्रेश मार्केट में। 17 तारीख दिन वीरवार, केशवपुर मंडी। दोस्तों अभी मौजूद हूं केशवपुर आलू मंडी में। लाइव तस्वीरों में देखेंगे आज क्या कुछ बाजार है, किस तरह का माहौल है, ग्राहकों में पावर कैसा है। दोस्तों ग्राहकों में तो पावर बहुत ही कम नजर आ रहा है जी आलू के बाजार में। आपको एक बार क्वालिटी दिखा दूं, फिर उसके बाद रेटों का जानकारी ले लेंगे। आज जो है इनके पास दो गाड़ी लगा हुआ है, देखो जी इस वाले गाड़ी में जो है इस तरह का क्वालिटी है। लेकिन माल जो है दो गाड़ी के बावजूद भी जो है माल अभी काफी है गाड़ी में। पहले तो दो तीन चार इस तरह से गाड़ी लगता था, लेकिन इस टाइम पर जो है गाड़ी काफी क्लियर देखने को मिलता था, लेकिन आज जो है माल काफी नजर आ रहा है। हाँ जी सर जी, नमस्कार जी। नमस्कार जी। सर जी सबसे पहले आलू का थोड़ा अराइवल बताओ जी, आज मार्केट में कितनी गाड़ी है जी? सर जो मार्केट में अराइवल है 20 गाड़ी होगी। अच्छा जी, बैलेंस बैलेंस गाड़ी होगी। कल की जैसे कि कल बुध था जी, 10 गाड़ी करीब मंडी में लगा था। 10 ताजा 10 बैलेंस। हाँ कल एक दो गाड़ी खाली हुई, बाकी बैलेंस। अच्छा जी जी। तो सर जी आज क्या कुछ माहौल चला जी, ग्राहकी में पावर कैसा नजर आ रहा है जी? सर ग्राहकी बिक्री थोड़ी ढीली चल रही है अभी, जैसे देख पा रहे बाजार में अभी बिक्री सही प्रकार से नहीं हो पा रही जी। जी बिल्कुल, जैसे गर्मी है, गर्मी के हिसाब से आलू कम ही बिक रहा है जी। और जो बाजार देखने को मिल रहे हैं बढ़िया आलू सही रेटों में बिक रहा है, हल्के आलुओं की कोई डिमांड नहीं है जी। अच्छा जी जी। वैसे तो सर देखने को मिल रहा है जी, आपके गाड़ी से ही पता चल रहा है सर ग्राहकों में पावर कैसा है जी। बिल्कुल, पहले चार चार गाड़ी में सर काफी माल क्लियर हो जाता है, आज लेकिन दो गाड़ी में ही जो है जी हालत खराब हो रहा है जी आपका। तो सर जी आज जो है किस किस एरिया से माल आया जी और कौन कौन सा वैरायटी आया जी अपने पास? अलीगढ़ क्षेत्र का हो गया, हाथरस क्षेत्र का हो गया, इन जगह से गाड़ी आई आई है। अच्छा जी, पहली गाड़ी है ये जी, अपना पहला हिमसोना आलू है। हिमसोना है जी जी। अच्छा जी, इसका क्या बाजार चला जी? 600 रुपए बिका है। अच्छा, और इधर वाला जी? हाँ ये इधर वाला हिमसोना आलू है जी। अच्छा 600 रुपए का। अगला 3797 है, मीडियम चाल है। अच्छा, ये 500 रुपए का बिका। और इसका जो है गुल्ला और बम्पर क्या? इसका गुल्ला बिके 400 रुपए के और बम्पर बिका 650 का। अच्छा, और हिमसोना में जो है सर इसका आया था जी गुल्ला और बम्पर? गुल्ला बम्पर इसका नहीं था जी। अच्छा जी, और जो अगली गाड़ी है जी आगे वाली? अगली गाड़ी है जी उसमें 3797 आया था स्टोर। अच्छा, ये आलू था जी वो 600 रुपए का बिका है। अच्छा, वो स्टोर वाला है जी डायरेक्ट? तो स्टोर वाला ये तुल करके बिक रहा है जी? हाँ जी, तोल के बिका है। अच्छा, मतलब जो स्टोर वाला जो भी माल आता है जी वो तोल करके? बिल्कुल जी, जो डायरेक्ट स्टोर रहेगा। अच्छा, वो तोल के बिकेगा। अच्छा जी, और बाकी जो हुक्का 49 से लेकर बाकी हुक्का जो तोल करके भेजेंगे वहाँ से? अच्छा जी। बाकी चिप्सोना आलू आया था जी वो 670 रुपए का बिका है। 670 रुपए चिप्सोना में रेट डाउन हो गया जी पहले? 20-30 रुपए का डाउन है। अच्छा जी, पहले 700-750 ऐसा चल रहा था? बिल्कुल। तो जो अपना सर संभल वाला चिप्सोना है और ये चंदौसी वाला है 20-30 रुपए का अंतर है जी। जैसे कि अगर संभल वाला चिप्सोना होगा 720 का बिकेगा। अच्छा जी, ये 670 रुपए का बिकेगा। अच्छा जी जी। और सर जी वही बात करें, इस समय जो सूर्य आलू है उसका क्या बाजार चल रहा है जी? वो सूर्य चल रहा है जी 750 से 800। 750 से 800 बढ़िया क्वालिटी, हल्की क्वालिटी 650 से 700 के बीच। अच्छा जी। और सर जी जो अपना संभल वाला है जी, जो संभल वाले सूर्य है वो 850-900 की रेंज में चल रहे हैं। अच्छा जी, और जो हल्के हैं सर 800 की रेंज में। और सर जी वही बात करें वैरायटी आलू में, पोखराज हो गया, S4 हो गया, मोहन हो गया, S2 हो गया, 450-500 की रेंज में चल रहे हैं। अच्छा, 450 से लेकर 500, मतलब हाइब्रिड आलू में तो समान ही है जी बाजार? बिल्कुल। अच्छा, तो सर अगर बात करें इस समय बिक्री का, तो बिक्री में जो है सबसे ज्यादा कौन सा सेल आउट हो रहा है जी? सर अभी जो सबसे ज्यादा सेल हो रहा है 3797 आलू हो गया। अच्छा, सूर्य आलू हो गया, इन आलुओं की डिमांड अच्छी है। अच्छा, अभी वैरायटी की डिमांड बहुत कम है। चिप्सोना हो गया, चिप्सोना की भी डिमांड कम चल रही है। अच्छा, जिस हिसाब से पिछले साल की बात है, जैसे चिप्सोना की गाड़ी पूरी पूरी क्लियर होती है। अच्छा, इस साल इस मंडी में अभी चिप्सोना की पूरी गाड़ी क्लियर नहीं हो रही है। अच्छा जी, तो पिछले साल से चिप्सोना का डिमांड कम है जी? कम है। अच्छा, तो पहले क्या था, शादी ब्याह का लगन का ज्यादा सीजन था या क्या था? सही साल बिक्री जैसे पिछले साल के मुकाबले सही नहीं चल पाई। अच्छा, साल जैसी बिक्री थी वो बढ़िया बिक्री थी, पूरा गाड़ी क्लियर होता था। अच्छा, इस साल नहीं है, कम नहीं है सब बिक्री। अच्छा जी, मतलब मेन क्या पड़ रहा है जी कारण? सर मेन तो गर्मी के कारण है। अच्छा जी, बिल्कुल, जो हरी सब्जी बीच में तेजी बनी थी वो सब खत्म हो गई, दोबारा से हरी सब्जी भरपूर है। अच्छा, मतलब फिर दोबारा से डाउन आ गया जी? बिल्कुल जी, देखिए अब 10 दिन बाद क्या होता है, 10 दिन बाद देखने को मिलेगा। अच्छा जी, तो क्या लगता है सर इस बार जो है सम्मानजनक रेट मिल पाएगा कि नहीं मिल पाएगा? आलू लास्ट में देखो सर क्या होता है। अच्छा, आलू अभी इस बार बहुत ज्यादा है। अच्छा जी, किसानों को अपना आलू निकालते रहना चाहिए। अच्छा जी, और सर जी इस समय कितना परसेंट क्लियर हो चुका होगा जी? वो सर 30-31% क्लियर हुआ है, बाकी है अभी। अच्छा जी, 30-31, तो अभी तो बहुत माल है जी, अभी काफी माल है और शायद टाइम भी ज्यादा नहीं है जी। बिल्कुल सर, टाइम भी ज्यादा नहीं है, इस बार पंजाब में भी फसल थोड़ा जल्दी लगा दी गई। अच्छा, वो भी आलू जल्दी आएगा। अच्छा जी,
और सर जी ये बिजाई वगैरह के लिए जो निकलता है तो उस टाइम कुछ किसान भाइयों को रेट मिलता है कि नहीं मिलता? बिल्कुल सर, 20-30-50-100 रुपए तक का अंतर आ जाता है। अच्छा, बिल्कुल। और बाकी डिपेंड करेगा वही, मतलब जो माल कितना बचा है। बिल्कुल, इस साल जैसे कि माल ज्यादा है तो मेरे को जहाँ तक आइडिया है कि उस साल तेजी नहीं मिलेगी। अच्छा, बिल्कुल। एक बार सर जी शॉप नंबर कॉन्टेक्ट नंबर बता दो। शॉप नंबर 52 नंबर, कॉन्टेक्ट नंबर 88-0-22-1994। अच्छा, बाकी तो गवर्नमेंट ही कुछ करवा सकती है, अगर कहीं अगर बात है बाहर जो एक्सपोर्ट वगैरह करवा दे तो जो जाकर के थोड़ा माहौल सुधर सकता है। एक्सपोर्ट होता है तो कुछ हो सकता नहीं, तो वैसे कोई चांस। अच्छा जी, कहीं अगर डिमांड बनता हुआ नजर आया तभी कुछ होगा भला जी। बिल्कुल, क्योंकि अभी तो स्टॉक में बहुत माल है जी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है।